नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के काम को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए 1 मार्च से पूरे राज्य में एम पासपोर्ट ऐप लॉन्च किया जा रहा है। एम पासपोर्ट ऐप से पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए सभी जिलों के दारोगा, DSP और ASP को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 8 फरवरी को प्रशिक्षण खत्म हुआ है। सभी थानों में 1-1 टैबलेट दिए जाने का काम चल रहा है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी प्रवीण मोहन सहाय ने बताया कि राज्य के थानों में 1,350 टैबलेट बांटने का काम चल रहा है। आपको बता दें कि अभी पासपोर्ट वेरिफिकेशन में कम से कम 21 दिनों का वक्त लगता है। एम पासपोर्ट ऐप की मदद से 10 दिनों से कम समय में भी वेरिफिकेशन का काम हो जाएगा। अभी पुलिस मुख्यालय से SP ऑफिस और फिर थाने तक जाने में कम से कम 21 दिन लग जाते हैं। एम पासपोर्ट ऐप के माध्यम से पुलिस सिर्फ आवेदक के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करेगी, इसके आधार पर वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस आपके घर नहीं आएगी। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा। एम पासपोर्ट ऐप से पासपोर्ट वेरिफिकेशन की बारीकियां समझने के लिए 23 सितंबर 2019 को DGP ने एम पासपोर्ट ऐप लॉन्च किया था। पटना के कोतवाली और पाटलिपुत्र थाने में पायलट प्रोजेक्ट के तहत एम पासपोर्ट ऐप पर काम शुरू हुआ। इसकी सफलता के बाद सभी जिलों के थानों में एम पासपोर्ट ऐप से वेरिफिकेशन का काम शुरू होने जा रहा है। राज्य में पटना और दरभंगा के अलावा 33 डाकघर पासपोर्ट केंद्र पर पासपोर्ट के आवेदन हो रहे हैं। आशियाना दीघा स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र में 1 दिन में 1200 लोग आवेदन कर रहे हैं। इसके अलावा 600 पासपोर्ट आवेदन अन्य डाकघर के केंद्र पर लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कई कामों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होता है, जैसे सरकारी नौकरी, पासपोर्ट इत्यादि। वहीं हाल ही में बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अब सरकारी ठेका लेने के लिए भी चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार सरकार ने सरकारी ठेका जारी करने के संदर्भ में एक बड़ा फैसला किया है। बिहार में अब कोई भी ठेका लेने से पहले ठेकेदार को SP कार्यालय से जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना होगा, इसके बाद ही उन्हें ठेका दिया जाएगा। आपको बता दें कि चर्चित रुपेश सिंह हत्याकांड के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया था। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और बैठक में चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर यह निर्णय लिया गया था। वहीं पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एम पासपोर्ट ऐप लॉन्च किया जा रहा है। इस पासपोर्ट ऐप से पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए सभी जिलों के दारोगा, DSP और ASP को प्रशिक्षित किया जा चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक 8 फरवरी को इन सभी का प्रशिक्षण पूरा हुआ है। अब 1 मार्च से एम पासपोर्ट ऐप से वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इस ऐप के इस्तेमाल से वेरिफिकेशन के काम में पारदर्शिता आएगी और इस प्रक्रिया में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा। बताते चले कि अभी पासपोर्ट वेरिफिकेशन में कम से कम 21 दिनों का वक्त लगता है। एम पासपोर्ट ऐप की मदद से 10 दिनों से भी कम समय में वेरिफिकेशन का काम हो जाएगा। अभी पुलिस मुख्यालय से SP ऑफिस और फिर थाने तक जाने में कम से कम 21 दिन लग जाते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।